अस्सलाम वालेकुम फॉलोअर्स, मैं आपका दोस्त मिल आज के साथ मिल के साथ हूँ और आज हम स्पॉइलर फ्री रिव्यू करेंगे 21 ब्रिजेस का। और ये स्पॉइलर फ्री है इसलिए मैं प्लॉट के बारे में कोई डीप डिस्कशन नहीं करूँगा, इसलिए वीडियो आप पूरी देख सकते हैं बेफिक्र होके। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। दोस्तों अगर 21 ब्रिजेस मूवी की बात की जाए तो ऐसी मूवियाँ आए रोज रिलीज़ होती रहती हैं जहाँ पे चोर कोई चोरी करता है या कोई क्राइम करता है जिसकी वजह से पुलिस अब उसके पीछे पड़ जाती है और ऑल अराउंड ये मूवी चलती रहती है ऐसी। और ऐसी मूवीज़ में तो हर रिलीज़ होती रहती है और इस तरह की मूवियाँ ज़्यादा तो हम थिएटर में जाके इंजॉय नहीं करते, इसको हम होम रिलीज़ करते हैं क्योंकि थिएटर में जाके अपने कीमती पैसे ज़ाया क्यों करना जबकि वही हमें सारा सारा प्लॉट दिखाया जाने वाला है। पर इस मूवी को ख़ास बात की जाए तो इसके एक्टर हैं, जी हाँ, या मेन लीड एक्टर जिनको हमने ब्लैक पैंथर मूवी में देखे हैं मेन लीड में और अब ये हमें इस मूवी में देखने को मिल रहे हैं, जिनका नाम है चडी, जो कि यहाँ डेविस का रोल प्ले कर रहे हैं और ये कॉप है, मतलब पुलिस वाले हैं। और बाकी सारी जो होती हैं क्राइम ड्रामा मूवी उसकी जैसे इसका भी प्लॉट ही है। तो आप जाके इसका ट्रेलर देख लें एक बार मेरे कहने पे तो आपको ये मूवी अच्छी तरह की समझ आ जाएगी क्योंकि यहाँ ट्रेलर में ही सारा का सारा प्लॉट हमें रिवील कर दिए गए कि हमें सारी समझ आ जाती है मूवी में क्या चीज़ होने वाली है। बस थोड़ा सा ट्विस्ट होता है जो कि हर एक मूवीज़ में होता है कि कैसे वो पकड़े जाएंगे, क्या होगा साथ, बस इतना। और एंडिंग तो हमें सबको पता ही होती है इन जैसी मूवियों की, तो मतलब कुछ खास मूवी मुझे तो नहीं लगी जितनी एक्सपेक्टेशन इससे मैंने लगाई थी। हाँ, मैं एक बात से तो बहुत खुश हूँ इस मूवी की, जो कास्टिंग की एक्टिंग है वहाँ से मैं बहुत खुश हूँ कि कास्टिंग एक्टिंग बहुत अच्छी की, पर प्लॉट के नाम पर हमें कुछ भी नया नहीं दिया गया। हर रोज़ जो ऐसी मूवीज़ रिलीज़ होती रहती है क्राइम ड्रामा थोड़ी थ्रिल वाली, वैसे ही हमें यहाँ पे मूवी में दिखाया गया है। और कास्टिंग की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी कास्टिंग का नाम आता है, एक तो पहले चढ़ी है, उसके बाद है टेलर चिकर, उसके बाद सनी मिलर, जेके सिमंस, स्टीवन जेम्स, जिमी नेवन और गैरी कर, इनको हमने मूवीज़ में देखा है काफ़ी ज़्यादा, उनकी एक्टिंग अच्छी थी। ये कास्टिंग ठीक ठाक है, मतलब इतनी भी नॉन नहीं है जितने आयरन मैन या दूसरे लेवल के एक्टर्स हैं, पर इतने नॉन नहीं है, पर अच्छी अच्छी मूवीज़ में हमने इन्हें एक्टिंग करते हुए देखा है। वैसे मूवी तकरीबन 1.5 घंटे की है, एक्शन भी थोड़ा सा ही है इस मूवी में, थ्रिल भी थोड़ा सा ही है, प्लॉट ढीला है, कास्टिंग एक्टिंग अच्छी है। अब मैं अपने पॉइंट पे आऊँ कि आपको ये मूवी थिएटर में जाके देखनी चाहिए कि नहीं, तो मेरे ख्याल से आपको नहीं देखनी चाहिए। अगर आपके पास फालतू वक्त है तब आप जाके देख सकते हैं, अगर आपने फ्रोजन या दूसरी मूवीज़ देख ली आप ढूंढ रहे हो थिएटर में और कोई मूवी नहीं रिलीज़ हुई तो 21 ब्रिजेस आपके लिए अच्छी मूवी होगी। पर अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और फालतू टाइम भी नहीं है, इस मूवी को दूर रहिए इस मूवी से, जब 3 महीने बाद ये होम रिलीज़ होगी शायद तब ये हिंदी में भी रिलीज़ होगी क्योंकि अभी थिएटर में ये हिंदी में भी अवेलेबल नहीं है, तो इस मूवी से दूर रहिए, मेरी ये सजेशन है। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि इस मूवी को देखने जाने वाले थे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि मैं मार्वल डीसी और दूसरी मूवी से रिलेटेड अपडेट डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।